और इसके बाद खबरें विस्तार से। अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में दोषी करार दिए जाने में एक दिन के बाद यानी 6 मार्च को बाहुबली पूर्व सांसद और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को अदालत ने सजा सुना दी। आपको बता दें कि अदालत ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि धनंजय सिंह को 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, ऐसे में अब वह आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। फर्जी मुकदमा कायम किया गया था, आज उस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज उस मामले को हम लोग हाईकोर्ट में विरुद्ध चार्ज बने थे 364 IPC, 386 IPC और 506 IPC, उसी में माननीय न्यायालय ने सजा सुनाया। 364 IPC में 7 साल और 50,000 जुर्माना है, 386 IPC में 5 साल 25,000 जुर्माना, 504 IPC में 1 वर्ष और 506 IPC में 2 वर्ष की सजा सुनाई। क्या दोनों अभियुक्तों को बराबर सजा दी? दोनों अभियुक्तों को बराबर सजा, जुर्माना भी बराबर, जुर्माना भी बराबर। किस आधार पर यह सजा सुनाई गई है? जो साक्ष्य गुजरे थे, जो दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन साक्षी अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए थे, उसी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा होस्टाइल होने की बात पर बचाव पक्ष की गई थी, क्या उसको बोलना? उन्होंने 313 अपने को कोई बचाव पक्ष का नहीं आया था, और जो हमारे अभियोजन पक्ष के साक्षी थे वो दस्तावेजी साक्ष्य और कलेक्ट किए गए थे, उसी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां दिन दहाड़े चावल की तस्करी हो रही है। बता दें कि तस्कर मौका देखकर नेपाल चावल की खेप की तस्करी कर रहे हैं और तस्करी कर पुनी हवा बॉर्डर पर इसे पार पहुंचा रहे हैं। वहीं तस्करों का तस्करी करते वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के नाम बदलकर धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसके बाद हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के पर मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि कोर्ट ने मुस्लिम लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाई है। SC ST कोर्ट में आरोपी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। ये गुलाबठी थाने का मुकदमा है, 2022 में मुकदमा लिखा गया था और विवेचना के बाद में चार्जशीट SC ST कोर्ट में आई थी। जो विक्टिम है वो SC ST की महिला है और ये मुस्लिम है। 15/3/22 को इसका मुकदमा दर्ज हुआ था। ये अनुसूचित जाति की महिला है शशि, जिसे ये बहला फुसला के अपने आप को आकाश बताते हुए गुलाबठी ले आया और बाद में उसे ये बताया कि नहीं, मैं आकाश नहीं, मुस्लिम अनीस हूँ, और इसका भी धर्म परिवर्तन कराया, इसे आयशा बनाया और बाद में छोड़ के चला गया 2.5 लाख रुपए और इसकी एक चैन भी ले गया। ये गुलाबठी थाने का मुकदमा है, 2022 में मुकदमा लिखा गया था और विवेचना के बाद में चार्जशीट SC ST कोर्ट में आई थी। जो विक्टिम है अलीगढ़ के सासनी गेट थाना के लोधी बिहार से एक मामला सामने आया है, जहां बाइक सवारों ने फायरिंग कर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि गोली लगने के बाद युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। नोएडा के कोतवाली फेज 1 की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सेक्टर 5 पुलिस ने एक गनमैन के राइफल चोरी करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके फरार साथी को कॉम्बिंग के बाद सेक्टर 15 से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से चोरी की राइफल, 2 खोखा कारतूस, 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के इनग्राम पब्लिक स्कूल के से एक मामला सामने आया है, जहां क्रिश्चियन परिवार के लोगों ने थाने का घेराव किया है। बता दें कि स्कूल के पीछे एक प्रॉपर्टी है, जिस पर करीब दर्जन भर परिवार रह रहे हैं। तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने क्रिश्चियन परिवारों का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके बाद क्रिश्चियन परिवारों ने हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस ने दरवाजे को खुलवाया है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा के साथ रेप किया गया। वहीं आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस से शिकायत करने पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। साथ ही आरोपी के खिलाफ पीड़ित के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामला वेस्ट शाहबेरी बिसरक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना मसूरी थाना क्षेत्र के हवा हवाई रेस्टोरेंट के सामने की बताई जा रही है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां किसान ने राठ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जिले में हुई ओलावृष्टि और बारिश से हुए नुकसान का ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की गई है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या से परिवार वालों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला सिसोलर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां दबंगों ने युवक को सरेआम गोली मारी है। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई थी, जिसकी वजह से युवक की मृत्यु हुई है। तभी दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिवार ने शव को रोड पर रखकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ कहा है कि जल्द ही घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना सासनी गेट में कल शाम को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें सुसंगत धाराओं में थाना सासनी गेट पर FIR पंजीकृत कर ली गई है। उसमें तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यहां पर परिजनों द्वारा मांग की जा रही थी, इस वजह से यहाँ लोग थाना ये सासनी गेट चौराहे पर आ गए थे। हमने आश्वासन परिजनों को और जो बाकी लोग थे उनको ये दिया है कि इनमें गिरफ्तारी तत्काल रूप से की जाएगी और जेल भेजा जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई भी अलमल में लाई जाएगी। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पोस्टमार्टम हाउस में नया कारनामा देखने को मिल रहा है। बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए आई डेड बॉडी बदल गई है, जिससे परेशान परिजन हंगामा करने लगे, जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में हड़कंप मच गया। खबर मथुरा से है, जहां यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कुसुम सरोवर का सौंदर्यीकरण कार्य करवाया है। बता दें कि गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग के कुसुम सरोवर पर लाइट और साउंड शो का इंतजाम किया गया है। हालांकि ये सब श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है। फिलहाल कुसुम सरोवर पर कराए गए कार्य का ट्रायल चल रहा है। इस कार्य का उद्देश्य सिर्फ गोवर्धन में परिक्रमा धारियों के लिए बेहतर अनुभव और इस धरोहर को और भी आकर्षित करना था। साथ ही गोवर्धन में पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसके पीछे लक्ष्य था।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां गौ तस्कर गौकशी करके फरार हो गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने सिवान में मांस का टुकड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम को घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को बरामद कर जांच में जुट जाने की बात कही। मामला पथरा थाना क्षेत्र के बरगदी गांव का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के पथरा थाना अंतर्गत बरगदई टोला नरेंद्रपुर में गौवंश के अवशेष के होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल पुलिस की विभिन्न टीमें पहुंच गई हैं। उक्त के संदर्भ में तहरीर प्राप्त हो गई है। FIR दर्ज करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द से जल्द घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर हमीरपुर से, जहां शिक्षा का मंदिर दलाली का अड्डा बन गया है। बता दें कि पंडित उमा शंकर नारायण हरि महाविद्यालय में अवैध वसूली की जा रही है। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटने के नाम पर वसूली की जा रही है। वहीं महाविद्यालय में 200 रुपए की वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र छात्राओं ने समस्या बताते हुए वीडियो वायरल कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि आए दिन टोल प्लाजा पर जाम देखने को मिल रहा है। साथ ही टोल कर्मचारी एम्बुलेंस के सायरन पर भी ध्यान नहीं देते, जिसके चलते एम्बुलेंस टोल पर फंसी रह गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस के साथ मिलकर राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी भोपुरा में दो जगह पर सर्वे किया गया। बता दें कि रेड के दौरान दोनों जगहों से 1,10,00,000 रुपए की कीमत की कई नकली दवाइयों की खेप पकड़ी गई है। साथ ही मौके से कच्चा माल, मशीन, दवाइयां भी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि टीम ने 14 सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही नकली दवा बनाने, बेचने, धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर आशुतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल पहले ही राजेंद्र नगर में बोगस कंपनी खोली गई थी और तेलंगाना से कच्चा माल मंगाया जा रहा था, जिसके बाद तेलंगाना के ड्रग्स अथॉरिटी को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया और जांच की शुरुआत की गई। गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली के गांधीनगर से एक मामला सामने आया है, जहां हेलमेट लगाकर दो बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि असलहे के दम पर सराफा की दुकान में 30 लाख के जेवर और नकदी की लूट को लेकर अंजाम दिया गया। तो वहीं पीड़ित ने घटना के 20 घंटे बाद पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि जल्द घटना को खुलासा करने के लिए SP ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया है और घटनास्थल का जायजा लेकर दुकान मालिक से भी जानकारी ली है। विश्वासनाथ शाह नाम के एक ज्वेलर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक दिन पूर्व यानी दिनांक 4 मार्च की रात्रि, जब वो अपने सराफे की दुकान पर हिसाब किताब कर रहे थे, उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति जो हेलमेट लगाए हुए थे, उनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें कुछ सोने व चांदी के आभूषण एवं 1,80,000 रुपये नकद उनके द्वारा ले जाना बताया गया। इसकी कोई भी सूचना उक्त सराफ द्वारा पुलिस को नहीं दी गई और एक दिन उपरांत यानी आज रात थाना कर्नलगंज पर लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया। जब एक दिन हुए इस विलंब के संबंध में उनसे जानकारी चाही गई तो कोई भी उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। आवेदक की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना कर्नलगंज पर पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। मथुरा में ABVP धरना प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मथुरा ने संदेश खाली में हुई घटना का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए DM शैलेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं ABVP के विभाग संगठन मंत्री दिव्य भारद्वाज ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही हैं और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं। आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति से आम जनमानस त्रस्त है और संदेश खाली में जिन पीड़िताओं के साथ जाति हुई है उनमें से ज्यादातर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं हैं, जिसका विरोध ABVP ने देश के हर कोने में किया है।
खबर हमीरपुर से है, जहां बेटी की मौत से दुखी होकर पिता ने फांसी लगा ली। बता दें कि जंगल में पेड़ से लटककर पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला थाना सिसोलर इलाके के खैर गांव का बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से प्रश्न पत्र आंसर शीट बरामद की गई है। बता दें कि सभी आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। आरोपियों ने बताया कि 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली के पेपर व्हाट्सएप पर मिल गए थे। खबर मथुरा से है, जहां फूड पॉइजनिंग से बच्चों की हालत बिगड़ गई। बता दें कि दीनदयाल धाम गुलाबचंद पब्लिक स्कूल में बच्चों की हालत बिगड़ी है। खाना खाने से पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद आधा दर्जन से अधिक बच्चों की हालत बिगड़ गई। तभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं अधिकारी आला अधिकारी सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। खबर दिल्ली से, जहां महादेव ऐप के असली मालिक पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी को दोनों आरोपियों को 11 मार्च दोपहर 1:30 बजे तक कोर्ट में पेश करना होगा। पीएमएलए एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 1,20,00,000 रुपए जब्त किए गए। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मंडल आयुक्त रोशन जैकब और जिलाधिकारी केजीएमयू ब्लास्ट में हुए घायल लोगों का हाल जानने पहुंची। तभी डीएम ने बताया कि केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में घायलों का बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया और बताया गया कि घायलों को बेहतर उपचार मिल सके, जिसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही जानकारी कि ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।